लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी सिनेमाघरों में बॉलीवुड की फिल्म दिखाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। 25 जनवरी को रिलीज हुई ऋतिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म काबिल पाक के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि उरी हमले के बाद भारत पाक के रिश्तों में आए तनाव के बाद पाक ने हिंदुस्तानी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय फिल्म पाक के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गठित एक समिति सिफारिश पर सरकार ने काबिल को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी किया है। इस संबंध में समिति ने इस सप्ताह पाक प्रधानमंत्री के सचिवालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद काबिल को रिलीज करने की इजाजत सरकार की ओर से दे दी गई है। वितरक एनओसी मिलने के बाद अब सेंसर बोर्ड से परमिशन लेकर काबिल को पाकिस्तानी सिनेमाघरों में रिलीज करना चाहते हैं। हालांकि शाहरुख खान की फिल्म रईस की रिलीज को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। शाहरुख खान और पाक अदाकारा माहिरा खान के फिल्म रईस के लिए वितरक एनओसी जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि रईस को भी एनओसी मिल जाएगी और फिल्म पाक में रिलीज होगी। तो लंबे समय के बाद पाकिस्तानी दर्शक बॉलीवुड फिल्मों का एक बार फिर आनंद ले सकेंगे। कमाई के मामले में रईस ने काबिल को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान में फिल्म रिलीज होने के मामले में काबिल ने बाजी मार ली है। देखते रहिए डीबी लाइव।